बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इकामा एक्सपायर है या हरूब जैसा कि आपको पता ही ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। 60 दिन का टाइम मिला हुआ है तो आपका तो तकरीबन अमल शो हो रहा है, तो अभी तक शो हो रहा है जी। हरूब ख़त्म करवाना है तो इसके मतलब भी है जी, आपने पासपोर्ट रीन्यू करवाना है इसके मतलब भी है, आपको कोई और मसला है, कफील सैलरी नहीं दे रहा है इसके मतलब भी है, कफील सैलरी नहीं दे रहा, ना इकामा लगा रहा है ना खरूज लगा रहा है इसके मतलब भी है। यह तमाम मसाइल के मतलब मैं इस वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ठीक है जी। ये तीनों मतार के पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बंदों के ओके करवाएं, बट सबके ऊपर ही काम होता है हमारा। और मैं अभी मुझे पिक्चर भेजी गई तो मैंने PDF तीनों के निकलवा लिए, अभी जिन 3 बंदों के निकले हुए हैं जी इनको सेंड कर दूंगा आज इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल जी, अगर कुछ बंदे जिन बंदों ने मुझे फ़ीस दी हुई है जी, अगर आप देख रहे हैं तो आपका इन्हीं में से एक होगा, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आज रात को या कल को आपका भी निकल जाएगा, ठीक है जी। ऐसा बात ये है जी कि आपका इकामा एक्सपायर है तो आप सफारा से जाकर, आपको पता है जी, अपना एक पेपर जमा करवा दें खरूज नहाई के मुतल्लिक, ठीक है जी। और उनको बोल दें जी मेरा इकामा एक्सपायर है, मैं खरूज नहाई जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी कंपनी रेड है, देख लें। इस सूरत में आप सफ़र करते हैं तो आपके ऊपर भाई न्यू वीज़ा लेकर आप जा सकेंगे, लेकिन फिर भी मतार पेपर से अपने आपको ज़रूर क्लियर कीजिएगा जब आप पाकिस्तान में आ जाए, उस टाइम की बात है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है जी, आपके हरूब ख़त्म हो रखे हैं, जैसा कि आपने मुतगई बन अमल शो हो रहा है। मुझे भाई व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करना, भाई मेरा मैंने हरूब ख़त्म, मेरा हरूब ख़त्म कैसे होगा भाई, मैं कैसे ख़त्म करूँ भाई, मैं नकल कफाला कैसे करवाऊँ, इस चीज़ के मतलब भी है जी, ठीक है जी। कैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। पासपोर्ट एक्सपायर है, आप इनसे मिल सकते हैं, कफील सैलरी नहीं दे रहा है, ना खरूज लगा रहा है ना इकामा लगा रहा है, और भाई आप मकतबे अमल में चले जाएँ, जाकर उसके ऊपर केस कर दें। अभी मैं आपको जो न्यूज़ बताने लगा हूँ वो सुन लें जी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, सॉरी, एक कौंसलर टीम की जिजान में आमद, जिजान की बात कर रहा हूँ। आपके शहर, अगर आप किसी भी शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके शहर में भी टीमें आती हैं, आप नज़र रखें, पूछें, या मेरी वीडियो में मुख्तलिफ वीडियो जैसे टीमें जाती हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ। मैं जिजान में या जिजान के नज़दीक जितने भी हैं जी, वहाँ पर आप रहते हैं तो आपको जिजान चले जाना चाहिए। मैं आपको एड्रेस वगैरह समझा देता हूँ और बेनिफिट बता देता हूँ इनके। मैं आप तारीख है जी 4-5 नवंबर 2022 बरोज जुमा और हफ्ता जुमा, यानी कल और हफ्ते वाले दिन, 2 दिन ये बंदे रुकेंगे जी। इनका टाइम टेबल पहले सुन लें, सुबह 8:30 जुमे वाले दिन का, 8:30 से 11:30 एंड दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक है, और हफ्ते वाले दिन 8:30 से 12 बजे तक है, ठीक है जी। इनके पास चले जाए नीचे मुकाम, देख लें होटल का नाम लिखा हुआ है, गार्डिनिया होटल जिजान, ठीक है जी। और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बड़ा करके शायद थोड़ा दिखा रखा हूँ मैं। आप इनके पास चले जाएँ, जाके इनसे बात कर लें जी, मैंने हरूब ख़त्म करवाना है, मेरा हरूब ख़त्म नहीं हो रहा है, मैंने नकल कफाला नई जगह के ऊपर करवाना है, कैसे होगा, ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर देंगे। बेसिकली मैं भी बंदों को बता देता हूँ, मैं आपने जिसके साथ पास नकल कफाला करवाना है उसको साथ लेकर मकतबे अमल चले जाएँ, ठीक है जी। तो ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर देंगे, क्योंकि ये इनका काम यही होता है, एक्सपर्ट बंदे हैं। पासपोर्ट एक्सपायर है बनवा लें, पेपर जमा करवाने खरूज नहाई के लिए, तो वहाँ पर जाकर इनके पास पेपर जमा करवा दें, तो एक अच्छी सहूलत है जी पाकिस्तानी सफारा की तरफ से। आप अगर जिजान इसके नज़दीक तरीन किसी भी शहर में रहते हैं तो फ़ायदा उठा लें।